अगर आप मोटे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए आपका दुश्मन वो हो जो आपको मोटा बोले, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद हैं, उल्टा आपको उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए जो आपको मोटा बोल के आपको याद दिलाते रहते हैं कि आप मोटे हैं। सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ चलिए बताता हूँ। आज के टाइम में मोटा होना लोगों के लिए काफ़ी कॉमन हो गया है। कई लोग इसको एज अ पर्सनैलिटी ले लेते हैं कि भाई ठीक है मैं मोटा हूँ तो हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही सामने वाला उसका मजाक उड़ाए या कुछ भी कहे, बस वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? फैट सिर्फ आपके बॉडी शेप को चेंज नहीं करता, इवन ये आपके किडनी, हार्ट, लीवर, इवन ब्रेन तक को डैमेज कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी ओबेसिटी आपके इतने ऑर्गन को कैसे डैमेज कर सकती है। बिल्कुल हार्म कर सकती है, क्योंकि आपको लगता है फैट हमारे सिर्फ अपर बॉडी पार्ट्स पे दिखाई देते हैं, जैसे आपका बेली फैट हो गया, हैंड हो गया, लेग्स हो गए, इस पे शो करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो फैट होते हैं ये आपके बॉडी ऑर्गन के इर्द गिर्द जितने भी जगह होती हैं सब जगह फिल्ड अप होते हैं, हर जगह से आपके बॉडी ऑर्गन को कवर अप किए रहते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को लेकर बात करते हैं। जो आपकी ओबेसिटी होती है इसकी वजह से आपका हार्ट रेट काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट फेलियर तक होने के चांसेस रहते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, फैट की वजह से आपके जो ब्लड वेसल होते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक फैट जमा होने लगता है, जिससे वहाँ पे क्लॉटिंग हो सकती है एंड आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। एंड अगर बात करें लीवर को लेके, तो लीवर भी सेम इसी तरह वर्क करता है। आपके ओबेसिटी की वजह से आपका लीवर का जो फंक्शनैलिटी होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, एंड इन दी एंड जो लीवर की फंक्शनैलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके वजह से आपको लीवर क्राइसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एंड इसका जो ट्रांसप्लांट करने का कॉस्ट आता है, इसमें कोई रिपेयरमेंट या कोई सर्जरी ऐसा कुछ नहीं होता, आप इसको मेडिसिन से तक ठीक नहीं कर सकते, बट इसका जो एक उपाय होता है वो होता है ट्रांसप्लांट। एंड ट्रांसप्लांट कराने का कॉस्ट जो होता है वो अप्रॉक्स 15 to 20 lakh वेरी करता है, एंड ये इतना कॉस्टली होता है कि लोग ट्रांसप्लांट तक नहीं करा सकते सिर्फ एक फैट की वजह से। अगर बात करें किडनी को लेकर, तो सेम जैसे हार्ट या लीवर में आपको फैट हार्म करता है आपके ऑर्गन्स को, सेम इसी तरह किडनी को भी डैमेज करता है, एंड इन दी एंड आपको किडनी स्टोन देखने को मिलता है जो बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका भी कॉस्ट आपको इन दी एंड सर्जरी में ही पे करना पड़ता है। फॉर ब्रेन हाउ, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर सकता है हमारी ओबेसिटी या हमारा फैट। जिस तरह बाकी बॉडी पार्ट्स के आसपास फैट इकट्ठा हो जाती है जिसकी वजह से उनकी फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाती है, सेम इसी तरह ब्रेन में भी होता है। ब्रेन में भी उसकी फंक्शनैलिटी ख़त्म होने लगती है जिस तरह फैट उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। देखिए, ओबेसिटी में ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही जगह फैट मिलेगा, ओबेसिटी में आपके ओवरऑल पूरी बॉडी में फैट कहीं ना कहीं होता है, एंड अगर ओबेसिटी कम ना हुई तो ये फैट धीरे धीरे और बढ़ता है एंड ये आपके कई ऑर्गन्स तक पहुंच सकता है। तो सेम इसी तरह आपके ब्रेन में भी ओबेसिटी जो होती है वो आपके ब्रेन वेसल तक पहुँचती है, एंड इसमें आपको अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। प्लस आपको ओबेसिटी की वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर तक हो सकता है, एंड ये आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है। सो इन दी एंड कंक्लूजन क्या निकला, ये आपको आइडिया लग गया होगा कि एक फैट कितना हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो प्लीज़ उनको उड़ाने दीजिए, उनका कहना है, उनकी बात को आप दिल पे ना लेके दिमाग पे लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि कल को आपको कुछ होता है तो वो हंसने वाले लोग आपको आके आपकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, बट अगर आपको फैट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपकी फैमिली से लेके आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तक जा ये बातें बढ़ सकती हैं। सो फैट को बिल्कुल भी नॉर्मली मत लें, थोड़ा सीरियस हो जाएं फैट को लेकर, एंड इसको लेकर थोड़ा सा वर्क करें अपनी बॉडी पर, एक अच्छा खासा फैट लॉस जर्नी फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, एंड कैलोरी डेफिसिट में जाएं जिसमें आप कैलोरी इनटेक कम करते हैं एंड एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। इससे आपको थोड़ा टाइम नहीं लगता, इसमें आपको मिनिमम 3 to 6 months देने पड़ेंगे एक अच्छा फैट लॉस रिजल्ट देखने के लिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1 to 2 months में आपको रिजल्ट ना दिखे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी इंटरनली फिट हो रही होती है, फिर बाद में आपको रिजल्ट दिखना चालू होता है। सो डीमोटिवेट ना होकर आप प्लीज़ अपने फैट लॉस जर्नी पर ध्यान देना। एंड जैसा कि थंबनेल में होगा, 1 to 1.5 crore क्यों मैंने बोला, जितनी भी प्रॉब्लम मैंने बताई अगर इनकी आप सर्जरी की कॉस्ट देखने जाए और इन सबको जोड़ें तो जो कॉस्ट निकल के आती है वो निकल के आती है 1 to 1.5 crore के बीच में। सो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मैंने झूठ बोली तो आप प्लीज़ नेट पर रिसर्च कर सकते हैं एंड इसकी कॉस्ट देख सकते हैं कि इन इंडिया में क्या कॉस्ट है इसकी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका डेटा जो भी है, जिसमें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किसकी कॉस्टिंग क्या है। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।